सवाल नंबर सत्रह इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल ऑपरेटिव जो डंप वाल है उसको चलाने के लिए कितने वोल्टेज या किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है राइट आंसर होगा बी 110 सौ दस वोल्ट डी सी यानी डंप वाल को चलाने के लिए 110 सौ दस वोल्ट डी की जरूरत पड़ती है आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एल से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जवाब देखिए अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या सी डिपार्टमेंट में है टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं जितने भी सवाल लेके आऊँ सारे एल एच बी से हैं कम से कम ये सौ सवाल होंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा एल एच बी के हर डिपार्टमेंट हर पार्ट के यहाँ पर सवाल आपको मिलेंगे देखने के लिए तो बहुत कॉमन सवाल से हम शुरू करते हैं पहला सवाल है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एल एच बी एल एच बी का फुल फॉर्म क्या है और ये लगभग हम में से सारे लोग जानते हैं लिंक हॉफमैन बुश ये इसका फुल फॉर्म होता है दूसरा सवाल व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एल एच बी कोचेज़ राइट आंसर होगा सी तेईस हज़ार पाँच सौ चालीस है मैम अगला सवाल सवाल नंबर तीन व्हाट इज द मैक्सिमम वेस्ट ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेस राइट आंसर होगा बी तीन हजार दो सौ चालीस एम एम चार नंबर क्वेश्चन हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेस और इसका राइट आंसर होगा तेरह सौ बीस एम एम अगला सवाल सवाल नंबर पाँच व्हाट इज़ मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड सी बी सी एब रेल फॉर एम टी और इसका राइट आंसर होगा ग्यारह सौ पाँच एम एम देखिए बहुत सारे सवाल हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी सवाल और उसके आंसर देखेंगे आप वीडियो को पॉज करके स्लो करके आराम से देख सकते हैं अपने समझ के हिसाब से अगला सवाल सवाल नंबर छः व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी बी सी रेल लेवल फॉर लोडेड वेकल ऊपर जो सवाल था वो था खाली वैगन का खाली कोच का सीबीसी हाइट ग्यारह सौ पाँच एम जो दूसरा सवाल है सवाल नंबर छः ये है मिनिमम हाइट लोडेड कंडीशन में तो ये होता है दस सौ तीस एम ये राइट आंसर होगा ए दस सौ तीस एम सवाल नंबर सात व्हाट इज द हाइस स्पीड पोटेंशियल ऑफ एल कोचेस इसका राइट आंसर होगा सी अपग्रेडेबल टू 200 हंड्रेड के एम किलोमीटर पर हावर आठ नंबर सवाल व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एल व्हील्स इसका राइट आंसर होगा सोलह प्लस माइनस वन एम सवाल नंबर नौ व्हाट इज़ द न्यू व्हील जोमेटर ऑफ एल व्हील्स जो एल के नए व्हील होते हैं उनका डायमीटर क्या होता है राइट आंसर होगा बी 915 सौ पंद्रह एम सवाल नंबर 10 व्हाट इज़ द कंडमिंग लिमिट ऑफ एल व्हील डायमीटर एल व्हील का कंडमिंग साइज पूछा जा रहा है राइट आंसर होगा सी अट्ठारह सौ सवाल नंबर 11 हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील एक व्हील पे कितने ब्रेक डिस्क होते हैं राइट आंसर होगा बी टू दो व्हील दो ब्रेक डिस्क होते हैं एक व्हील पे सवाल नंबर बारह विच टाइप ऑफ रोलर बेरिंग इज़ यूज इन एल एच बी कोचिज एल एच बी कोचेज में किस टाइप का रोलर बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है राइट आंसर होगा सी कार्टरेज टेपर्ड रोलर बेरिंग जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी टी आर बी कहा जाता है सवाल नंबर तेरह वट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन एल एच बी कोचेस एल एच बी कोचेज के जो व्हील होते हैं उनका फ्लेंज होता है उसका थिकनेस कितना होता है राइट आंसर होगा बी ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर एम एम सवाल नंबर चौदह वट इज़ द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है राइट आंसर होगा बी एक सौ दस एम एम सवाल नंबर पंद्रह वट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है राइट आंसर होगा सी छः सौ चालीस एम एम सवाल नंबर सोलह व्हाट इज डायमीटर ऑफ व्हील एक्सेल ऑफ एल एच बी कोचेज एल एच बी कोचेज के जो व्हील होते हैं उनके एक्सेल का डायमीटर कितना होता है राइट आंसर होगा बी एक सौ सत्तर एम एम अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसमें से कम से कम दस ऐसे सवाल आ जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए सारे सवाल जो आप बहुत ध्यान से देखना सवाल नंबर सत्रह हाउ मैनी शॉक एबजॉर्वर आर यूज इन एल एच बी कोचेज यानी एल एच बी कोचेज में कितने शॉक एब्बॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है और ये शॉक एब्जॉर्बर जिन्हें हम डैम्पर भी कहते हैं और इनका इसका राइट right आंसर है 18. एक कोच के अंदर डैम्पर का इस्तेमाल किया जाता है और अगर एक ट्रॉली एक की बात की जाए तो नौ ये चीज ध्यान रखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर जो बॉगी और कार बॉडी के बीच में शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है उसका नाम क्या है उसको कौन सा शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं तो उसको कहते हैं योर डैम्पर इसका राइट आंसर होगा सी योर कहते हैं सवाल नंबर उन्नीस वट इज द लेंथ ओवर सी बी सी ऑफ एल एच बी कोचेस राइट आंसर होगा बी चौबीस हजार एम एम सवाल नंबर बीस व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ एल एच बी कोचेज राइट आंसर होगा सी चार हजार उनचालीस एम एम सवाल नंबर इक्कीस राइडिंग इंडेक्स ऑफ एल एच बी कोच और इसका राइट आंसर होगा सी टू पॉइंट फाइव सवाल नंबर बाईस डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ एल एच बी एल एच बी के इनर व्हील का डिस्टेंस आपस में कितना होता है यह 12340 बारह हज़ार तीन सौ चालीस एम एम इसका राइट right आंसर होगा सवाल नंबर ट्वेंटी थ्री ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल डी वन ऑफ एल एच बी कोच इज़ डन जो ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल होता है जिसे हम डी वन भी कहते हैं वो कब किया जाता है राइट right आंसर होगा सी एवरी ट्रिप सवाल नंबर चौबीस डी टू मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एल एच बी कोच इज डन जो डी टू मेंटेनेंस शेड्यूल होता है एल एच बी कोच का वो कब किया जाता है राइट आंसर होगा बी तीस दिन प्लस माइनस तीन दिन सवाल नंबर पच्चीस डी थ्री मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एल एच बी कोच इज डन डी थ्री का मेंटेनेंस शेड्यूल कब होता है राइट आंसर होगा सी एक सौ अस्सी दिन प्लस माइनस पंद्रह दिन अगला सवाल सवाल नंबर छब्बीस एस एस वन शॉप शेड्यूल वन ऑफ एल एच बी कोच इज डन कितने साल पे होता है एस एस वन देखिए या तो वन पॉइंट फाइव एन डेढ़ साल हो जाए या फिर छः लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाए इन दोनों में से जो पहले होगा उसके हिसाब से एस एस वन उस कोच का हो जाएगा डेढ़ साल या फिर छः लाख किलोमीटर अगला सवाल सवाल नंबर सत्ताईस एस एस टू ऑफ एल एच बी कोच इज़ डन एस एस टू का बोलता है एल एच बी कोच का थ्री ईयर या फिर बारह लाख किलोमीटर इन दोनों में से जो पहले हो जाए उसका एस एस टू हो जाएगा कोच का अगला सवाल सवाल नंबर ट्वेंटी सेवन एस एस थ्री ऑफ एल एच बी कोच इज डन एल एच बी कोच का एस एस थ्री कब होता है और इसका राइट आंसर है सिक्स ईयर या फिर चौबीस लाख किलोमीटर इन दोनों में से जो पहले हो जाए या तो छः साल पहले हो जाए या फिर चौबीस लाख किलोमीटर पहले कोच चल जाए तो उसका एस एस थ्री हो जाएगा सवाल नंबर ट्वेंटी एट आयोज ऑफ एल एच बी कोचेज इज डन नाइन मंथ एल एच बी कोच का आयोज कितने महीने में होता है नौ महीने कोडल लाइफ ऑफ एल एच बी कोचिज एल एच बी का कोडल लाइफ कितना होता है राइट आंसर होगा ए थर्टी ईयर्स सवाल नंबर तीस ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन इज़ जो राजधानी कोच होता है उसका सेक्शन में ब्रेक पावर का परसेंटेज कितना होना चाहिए राइट आंसर होगा बी हंड्रेड परसेंट सवाल नंबर थर्टी वन व्हील बेस ऑफ एल एच बी बोगी व्हील बेस ऑफ एल एच बी बोगी राइट आंसर होगा सी दो हजार पाँच सौ साठ एम एम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है बहुत ध्यान से इन सारे सवाल जवाब को देखना चलिए आगे आ गया कोच और शेल अभी हमने जो ऊपर देखा था वो जनरल क्वेश्चन आंसर थे अभी ये कोच से और शेल से जुड़े हुए ये क्वेश्चन आंसर हैं पहला सवाल क्रॉस मेंबर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ है लेजबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम जो क्रॉस मेंबर होते हैं एजबी कोच के अंडर फ्रेम में वो किससे बने होते हैं और इसका राइट आंसर होगा बी आई आर एस एम फोर्टी वन सवाल नंबर दो थिकनेस ऑफ रूफ शीट्स ऑफ एल एच बी कोचेज आर जो रूफ शीट्स होते हैं उनकी थिकनेस कितनी होती है राइट आंसर होगा बी वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव एम एम से वन पॉइंट सेवन एम एम सवाल नंबर तीन थिकनेस ऑफ कॉरोगेटेड शीट ऑफ एल एच बी कोचेज आर इसका राइट आंसर होगा सी वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव एम एम सवाल नंबर चार थिकनेस ऑफ साइड वाल शीट ऑफ एल एच बी कोचेज आर राइट आंसर होगा ए दो एम एम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है ये सवाल नंबर पाँच सोल बार ऑफ एल एच बी कोचेज आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम इसका राइट आंसर होगा बी आई आर एस एम आई आर एस एम फोर्टी वन सवाल नंबर छः थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ एल एच बी कोचेज इज राइट right आंसर होगा डी छः एम mm. एम देखिए सोलबार शो, जो होता है किसी भी कोच का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रीढ़ की हड्डी है ये सोलबार तो सोलबार किससे मैनुफैक्चर होता है और सोलबार की मोटाई कितनी होती है ये तो आपको पता होना चाहिए तो इसको नोट कर लीजिएगा सवाल नंबर सात थिकनेस ऑफ रूफ फ्लेंज ऑफ एल एच बी कोचेज इज़ राइट आंसर होगा सी फोर एम एम सवाल नंबर आठ मटेरियल ऑफ़ योर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ एल एच बी कोचेज इज़ जो योर डैम्पर लगाने का जो ब्रैकेट होता है उसका मटेरियल कौन सा है राइट आंसर हो ये कास्ट स्टील सवाल नंबर नौ योर डैम्पर इज फिटेड ऑन योर डैम्पर कहाँ फिट होता है बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम के बीच में योर डॉइम पर फिट होता है सवाल नंबर दस द फायर एक्सक्यूसर यूज इन ए सी एल एच बी कोचेज इज ए सी एल एच बी कोच में आग बुझाने के लिए जिस फायर एक्जीक्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा टाइप का होता है राइट आंसर होगा बी डी सी पी टाइप चलिए अब देखते हैं ब्रेकिंग सिस्टम से जुड़े हुए सवाल जवाब देखिए ये सारे जो सवाल जवाब मैंने अभी आपको दिखाया ना ये सारे सवाल जवाब आप एल एच बी के हैं इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा आई सी एफ या कोट्स ये सारे सवाल जवाब आप एल एच बी से जुड़े हुए हैं तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा चलिए पहला सवाल लेते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एल एच बी कोचेस जो एल एच बी कोच में ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया उसका प्रिंसिपल उसका काम करने का सिद्धांत क्या है इसका राइट आंसर होगा सी ट्विन पाइप विद डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम अगला सवाल सवाल नंबर दो 125 लीटर एयर टैंक यूज फॉर 125 लीटर का जो एयर टैंक होता है वो किस यूज में होता है किस काम के लिए होता है चार ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर होगा बी ब्रेकिंग पर्पस ये ब्रेकिंग पर्पस के लिए होता है देखिए जो एयर टैंक होता है ना एल में दो होते हैं बाकी आई में गुड्स में एक एक एयर टैंक होते हैं लेकिन एल में दो होते हैं एक एक का होता है एक पचहत्तर लीटर का होता है तो जो एक लीटर का एयर टैंक होता है उसका इस्तेमाल ब्रेकिंग सिस्टम के लिए किया जाता है और जो 75 लीटर का एयर टैंक होता है उसका इस्तेमाल टॉयलेट पर्पस के लिए किया जाता है तो सवाल नंबर तीन में यही पूछा गया है 75 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर तो इसका राइट आंसर होगा टॉयलेट पर्पस सवाल नंबर चार बोर साइज ऑफ मेन बी पी एंड एफ पाइप इज़ एफ और बी पाइप का बोर साइज क्या है राइट आंसर होगा बी पच्चीस एम एम सवाल नंबर पाँच डायमीटर ऑफ बी सी लाइन ब्रांच पाइप इज जो ब्रेक सिलेंडर का ब्रांच लाइन पाइप होता है ब्रांच पाइप लाइन होता है उसका डाया कितना है तो राइट आंसर होगा सी अट्ठारह एम एम अगला सवाल सवाल नंबर छह डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप जो ब्रेक इंडिकेटर का पाइप गया होता है उसका डायमीटर कितना होता है राइट आंसर होगा बी दस एम एम सवाल नंबर सात व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शो रेड द ब्रेक विल बी अगर ब्रेक इंडिकेटर लाल दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ब्रेक अप्लाई है ब्रेक लगा हुआ है सवाल नंबर आठ हाँ, वेन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन द ब्रेक विल बी अगर ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिख रहा है तो क्या हुआ ब्रेक लगा है कि रिलीज है तो राइट आंसर होगा ए रिलीज ब्रेक रिलीज है लगा नहीं है ब्रेक एक्सीटर इज ए ब्रेक एक्सीटर क्या है ये है एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस ब्रेक एक्सीटर क्या है तो इसका राइट आंसर होगा बी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पार्ट सवाल नंबर दस ब्रेक एक्सीटर एक्टिवेट ड्यूरिंग ब्रेक एक्सीटर कब चालू होता है कब स्टार्ट होता है या कब वो फंक्शन में आता है तो इसका राइट आंसर होगा बी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा जो ब्रेक एक्सीटर है वो एक्टिवेट होता है सवाल नंबर 11 ब्रेक एक्सीटर स्टॉप वेंटिंग वेन बी पी प्रेशर इज टू जो ब्रेक एक्सीटर है वो हवा निकालना बंद कर देता है बी का प्रेशर जब बढ़ता है कितना बढ़ता है राइट आंसर होगा सी टू से वन किलोग्राम पर सेंटीमीटर ठीक है सवाल नंबर बारह ब्रेक एक्सीटर इज कनेक्टेड टू ब्रेक एक्सीटर किससे जुड़ा होता है बीपी पाइपलाइन ब्रेक पाइपलाइन के साथ ब्रेक एक्सीटर जुड़ा होता है सवाल नंबर तेरह व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक के लिए जो केबल लगा होता है उसका नाम क्या है यहाँ भी चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा बी फ्लैक्स बॉल केबल सवाल नंबर चौदह फ्लैक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू फ्लैक्स बॉल केबल जो है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा रहता है और इसका राइट आंसर होगा बी ब्रेक सिलेंडर ब्रेक सिलेंडर से डायरेक्ट जुड़ा रहता है सवाल नंबर पंद्रह व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटी स्कीड सिस्टम जो एंटी स्कीड सिस्टम है वो किस पर्पस से लगाया जाता है तो ये राइट आंसर होगा ए टू प्रोटेक्ट व्हील्स अगेंस्ट स्किडिंग यानी कि व्हील को स्किड होने से बचाने के लिए इस डिवाइस को लगाया गया है सवाल नंबर पंद्रह हो गया सवाल नंबर सोलह द एप्लीकेशन ऑफ डंप इज डंप वाल का काम क्या है और इसका राइट आंसर होगा यहाँ सी लेकिन बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग यानी ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों के दरमियान दौरान ये डंप वाल अपना काम करता है सवाल नंबर सत्रह इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल ऑपरेटिव जो डंप वाल है उसको चलाने के लिए कितने वोल्टेज या किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है राइट आंसर होगा बी 110 सौ दस वोल्ट डी सी यानि डम्प वॉल को चलाने के लिए 110 सौ दस वोल्ट डी सी की जरूरत पड़ती है अगला सवाल एंटी स्किड सिस्टम ही से एटी स्किट सिस्टम क्या है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है न्यूमेटिक सिस्टम है इलेक्ट्रो न्योमेटिक है या दोनों ही है तो राइट आंसर होगा बी ये है न्यूमेटिक सिस्टम सवाल नंबर उन्नीस व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील यानी कि जो एयर गैप होता है सेंसर और स्पीड सेंसर या सेंसर का मतलब है स्पीड सेंसर स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो गैप होता है वो कितना मेंटेन किया जाता है राइट आंसर होगा सी 0.9 से 1.4 पॉइंट mm. सवाल नंबर 20 प्रेशर स्विच एक्चुएटेड एट द ट्रेन प्रेशर रीचेज प्रेशर स्विच कब एक्टिवेट होता है जब एक यहाँ पे चार ऑप्शन है और राइट आंसर होगा इसका सी 1.3 से 1.8 बार के प्रेशर पे सवाल नंबर 21 हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन एल एच बी कोचेज एल एच बी कोचेज में कितने ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है राइट आंसर होगा सी आठ सवाल नंबर ट्वेंटी टू द नाइन्टी नाइन नाग्ट कोड शो ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स अगर माइक्रो प्रोसेसर में, में निन्यानवे नंबर का कोड शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ अब ये माइक्रो प्रोसेसर से आप कन्फ्यूज मत होइएगा माइक्रो प्रोसेसर का मतलब हुआ हम जिसको डब्ल्यू एस पी कहते हैं हम लोग तो डब्ल्यू एस पी पूरा एक सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर और ये कोच के ऊपर लगा रहता है और जब उसमें एक नाइनटी कोड शो होता है तो उसका मतलब होता है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली पूरा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है अगर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 99 का कोड नज़र आए तो इसका मतलब पूरा डब्ल्यू का जो सिस्टम है वो सही है सही तरीके से काम कर रहा है अगला सवाल सवाल नंबर 23 थ्री इफ माइक्रो प्रोसेसर शो सेवेंटी टू कोड मीन्स अगर माइक्रो प्रोसेसर में बहत्तर नंबर का कोड शो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब हुआ परमानेंट फॉल्ट एट वन एक्सल एक एक्सल में फॉल्ट है सवाल नंबर ट्वेंटी फोर इफ माइक्रो प्रोसेसर शो सेवेंटी थ्री कोड मीन्स अगर सेवनटी थ्री का कोड शो हो रहा है तो क्या होगा तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल एक से ज़्यादा एक्सल में फॉल्ट है सवाल नंबर ट्वेंटी फाइव माइक्रो प्रोसेसर शो नाइन्टी फाइव कोड मीन्स अगर माइक्रो प्रोसेसर में नाइन्टी फाइव का कोड शो हो रहा है तो देखिए अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें आंसर के हिसाब से नन ऑफ दिस यानी जो भी यहां ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं सवाल नंबर ट्वेंटी सिक्स हाउ मच प्रेशर ड्रॉप्ड वेन इमरजेंसी ब्रेक जब इमरजेंसी ब्रेक लगता है तो कितना प्रेशर ड्रॉप होता है राइट आंसर होगा सी ऑलमोस्ट थ्री के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप होता है सवाल नंबर ट्वेंटी सेवन पी ई ए एस डी प्रोवाइडेड इन एल एच बी कैन बी रीसेट जो पी ई एस टी होता है एल एच बी में उसको कैसे या कहाँ से रिसट किया जाता है राइट आंसर होगा सी फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पोल्ड उस जगह से जहाँ से चैन खींचा गया है वहीं से इसको रिसट किया जाता है सवाल नंबर ट्वेंटी एट लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड इन पी ई एस टी इन एल एच बी कोचेस जो एल एच बी कोचेज़ के अंदर पी ई एस डी लगा होता है इसको आइसोलेट करने के लिए आइसोलेटिंग कॉक कहाँ दिया गया है राइट आंसर होगा सी वन साइड ऑफ कोच आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड कोच के एक साइड में आइसोलेटिंग कॉक दिया रहता है इसको आइसोलेट करने के लिए सवाल नंबर ट्वेंटी नाइन वेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल फ्रॉम इनसाइड द कोच अगर इमरजेंसी पुल बॉक्स को कोच के अंदर से पुल किया जाता है तो क्या होता है राइट आंसर होगा बी द बी पी प्रेशर ड्रॉप बी पी का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है अगला सवाल सवाल नंबर थर्टी थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज़ नए ब्रेक पैड की थिकनेस कितनी होती है राइट आंसर होगा सी थर्टी फाइव एम एम सवाल नंबर थर्टी वन कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड ब्रेक पैड का कंडमिंग लिमिट क्या है राइट आंसर होगा बी सेवन एम एम सवाल नंबर थर्टी टू मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर होता है कितना होता है तो थ्री पॉइंट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल नंबर थर्टी थ्री गैप बिटवीन ब्रेक एंड ब्रेक पैड इज जो ब्रेक डिस्क होता है और ब्रेक पैड होता है उसके बीच का मैक्सिमम गैप कितना होता है तो ये है डी राइट आंसर 1.5 पॉइंट सवाल नंबर 34 फोर एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ के बी ब्रेक सिलेंडर इज टूल का साइज पूछा जा रहा है जिससे के बी का जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसके स्लैक एडजस्टर को खोला जा सके और ये है बी इसका राइट right आंसर 27 27 नंबर पाना या 27 नंबर आप रिंच के मदद से आप के बी का जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसके स्लैक एडजस्टर को खोल सकते हैं अगला सवाल सवाल नंबर थर्टी फाइव करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ के बी मेक ब्रेक सिलेंडर इज जो के बी का ब्रेक सिलेंडर होता है के बी मेक ब्रेक सिलेंडर होता है उसके स्लैक एडजस्टर को खोलने का सही दिशा क्या है तो इसका राइट आंसर होगा बी क्लॉक यानी घड़ी के घूमने की दिशा में जब हम घुमाएंगे तो स्लैक एडजस्टर ओपन होगा सवाल नंबर थर्टी सिक्स एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एडजस्टर नॉट ऑफ एस ए बी ब्रेक सिलेंडर इज और इसका राइट आंसर होगा बी फोर्टी टू mm. एम एम सवाल नंबर थर्टी सेवन मैगजिम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड इज ब्रेक पैड का मैक्सिमम लेंथ क्या होता है राइट आंसर होगा बी चार सौ mm. एम एम सवाल नंबर थर्टी एट फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड इज ब्रेक पैड का फ्रिक्शन एरिया कितना होता है राइट आंसर होगा ए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल नंबर 39 नाइन वट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है ये सवाल ऊपर भी था कम चलिए कोई बात नहीं दो बार रिपीट हो गया राइट आंसर होगा बी 640 सौ चालीस एम एम सवाल नंबर चालीस द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन ए सेम एक्सल एट द डिस्टेंस इज राइट आंसर होगा ए दस सौ तीस एम एम जो ब्रेक डिस्क होता है सेम एक्सल पर जो फिट होता है उनके बीच का दूरी कितना होता है तो दस सौ

सवाल नंबर 43 थ्री हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन एल एच बी पावर कार नोएज जो एल एच बी के पावर कार में हैंड ब्रेक दिया गया रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है राइट right आंसर होगा ए पार्किंग ब्रेक सवाल नंबर फोर्टी फोर हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील्स जो हैंडब्रेक दिया गया रहता है वो कितने व्हील के ऊपर अप्लाई होता है तो एनी टू किसी भी दो व्हील हैंड ब्रेक लगता है सवाल नंबर फोर्टी फाइव हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन एक्सल एक एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क दिए गए रहते हैं राइट right आंसर होगा बी यहाँ पे टू दो ब्रेक डिस्क दिए गए होते हैं एक एक्सल पे अगला सवाल सवाल नंबर फोर्टी सिक्स द फिन प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क फॉर जो ब्रेक डिस्क होता है उसके बीच में जो फिन्स होते हैं जो छोटे छोटे रॉड की जैसे आपको दिखेंगे वो किस लिए दिए गए हैं तो यहाँ पे दो जो राइट आंसर है इस पी के हिसाब से तो बी है टू मिनिमाइज वेट ऑफ ब्रेक डिस्क ब्रेक डिस्क के वज़न को कम करना लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए टू टू प्रोवाइडेड इफेक्टिव कूलिंग डूरिंग ब्रेकिंग और ये बीट दोनों ही होना चाहिए यानी कि ब्रेकिंग के दौरान जो गर्मी पैदा होती है तो उसको ठंडा करने के भी ये काम आता है और ये ब्रेक डिस्क के वेट को भी कम करता है तो मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए लेकिन यहाँ पे पी के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा बी इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि ब्रेक डिस्क का वज़न कम हो सके अगला सवाल सवाल नंबर फोर्टी सेवन हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन पावर कार एक पावर कार में कितने ब्रेक डिस्क दिए रहते हैं राइट right आंसर होगा एट अगला सवाल सवाल नंबर फोर्टी एट हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूजी ने एल एच बी टाइप कोचेज और इसका राइट right आंसर होगा आठ अगला सवाल सवाल नंबर फोर्टी नाइन आउटर डायमीटर ऑफ मेन बी पी एंड एफ पी पाइप लाइन इज पहले पूछा गया था इनर डायमीटर यानी बोर्ड पूछा गया था यहाँ पे आउटर डायमीटर पूछा जा रहा है एफ पी और बी पी पाइप लाइन का आउटर डायमीटर कितना होता है तो इसका राइट आंसर होगा बी बत्तीस एम एम सवाल नंबर पचास आउटर डायमीटर ऑफ मेन बी सी पाइप लाइन जो ब्रेक सिलेंडर का पाइपलाइन है उसका आउटर डायमीटर कितना होता है राइट आंसर होगा अट्ठारह एम एम अगला सवाल सवाल नंबर फिफ्टी वन ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है वो कहाँ लगा होता है राइट आंसर होगा ए बॉगी क्रॉस बीम अगला सवाल सवाल नंबर 52 टू बाईपास सिस्टम इज यूज इन ब्रेक सिस्टम वेन बाईपास सिस्टम कब इस्तेमाल किया जाता है एफ पी पाइप ब्रोकन बी पी पाइप ब्रोकन होस पाइप ब्रोकन एनी ऑफ दिस इनमें से कोई भी हो जाता है तो बाईपास सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है राइट आंसर होगा डी एनी ऑफ दिस यानी एफ पी का पाइप ब्रोकन हो गया बी पी का पाइप ब्रोकन हो गया या होस पाइप में ब्रोकन हो गया तो इस केस में बाईपास सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है सवाल नंबर फिफ्टी थ्री वाट विल यू डू वेन वन इंड बी पी एंगल कॉक लीकेज इन रूट इन रूट में अगर बी पी का एंगल कॉक लीकेज हो जाए तो आप क्या करेंगे तो यहाँ पे बाईपास द कोच इसका राइट आंसर होगा कोच को बाईपास करेंगे सवाल नंबर फिफ्टी फोर वाट कैन डू प्रिवेंट ब्रेक सिलेंडर ब्रेक कैली पर यूनिट जैमिंग अगर ब्रेक कैली पर जैम होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट मिडिल पिन मिडिल पिन को लुब्रिकेट करना चाहिए और उसकी रेगुलर क्लिनिंग होनी चाहिए सवाल नंबर फिफ्टी फाइव वन ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन इवन ब्रेक आर इन अप्लाइड कंडीशन इज एक ब्रेक सिलेंडर ग्रीन दिख रहा है जबकि ब्रेक अप्लाई है ब्रेक लगा हुआ है फिर भी ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिख रहा है ऐसा क्यों हुआ है राइट आंसर होगा सी ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन जो ब्रेक इंडिकेटर है वो फंस गया है रिलीज पोजीशन में इसकी वजह से वो ग्रीन दिखा रहा है सवाल नंबर फिफ्टी सिक्स डूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी इज़ ड्रॉप टेस्ट के दौरान पूरे रेक में मैक्सिमम ड्रॉप कितना परमिटेड है बीपी के अंदर राइट आंसर होगा ए 0.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगला सवाल सवाल नंबर 57 सेवन डूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन एफ पी इज ऊपर बीपी पूछा गया था अब नीचे एफ पी का पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ए जीरो पॉइंट टू किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल नंबर फिफ्टी एट डूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन सर्विस एप्लीकेशन यानी ब्रेक लगाने के दौरान जो ब्रेक हैं कितने समय में लग जाते हैं राइट आंसर होगा सी तीन से पाँच सेकेंड सवाल नंबर फिफ्टी नाइन डूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर इज जब फुल ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो ब्रेक सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कितना जाता है राइट आंसर होगा बी थ्री पॉइंट जीरो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल नंबर साठ चार्जिंग टाइप ऑफ सी राइट right आंसर होगा बी 160 सौ साठ सेकेंड यानी सी आर का चार्जिंग टाइम क्या है तो इसका राइट right आंसर होगा 160 सौ साठ सेकेंड सवाल नंबर सिक्सटी वन आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शूट रिलीज विद इन फुल ब्रेक एप्लीकेशन करने के बाद जब ब्रेक को रिलीज करते हैं तो कितना टाइम देता है और इसका राइट right आंसर होगा सी 15 से 20 सेकंड तो ये लगभग 70 अस्सी सवाल हो गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल एच बी से आगे हम देखेंगे कपलर और सी से सवाल ये भी एच के होंगे इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि इन सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस चैनल पर आपको इस तरह के कमाल के वीडियो मिलते रहेंगे तो आज की वीडियो कैसे कमेंट करके बताएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद